हेलो एवरीवन, इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय एक संबंध होता है समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनके बीच में। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का हो। जब भी आपको ऐसा कुछ बॉक्स सा दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि 90 डिग्री के कोण को दर्शा रहा है। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा होती है क्योंकि सबसे बड़े कोण के जो सामने वाली भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजाई कहलाएगी। नीचे वाली भुजा को हम आधार कहते हैं और इसको हम ऊंचाई या फिर लंब कहते हैं। आपको ऊंचाई भी लिखा हुआ मिल सकता है और लंब भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब इन तीनों भुजाओं के बीच में संबंध क्या होता है? जब भी किसी त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 डिग्री का होगा तो पक्की बात है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार के वर्ग जमा लंब के वर्ग के। अगर हम इस आधार का वर्ग कर दें, उसके अंदर लंब का वर्ग करके जोड़ दें आपस में, तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर आएगा। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं, हमारे पास कर्ण है 5 सेंटीमीटर, आधार है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। अगर हम कर्ण का वर्ग कर दें यानी कि 5 का वर्ग कर दें तो ये आ जाएगा 25, बराबर है आधार का वर्ग यानी 4 का वर्ग। 4 वर्ग का मतलब क्या होता है? 2 बार गुना। हम 4 के गुना 2 बार कर देंगे, 4 गुना 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16, बीच में जमा। लंब का वर्ग है तो लंब कितना है? 3 सेंटीमीटर। हम 3 का वर्ग कर देंगे, 3 × 3 = 9 आ जाएगा। जब हम 16 में 9 को जोड़ेंगे तो 25 ही आएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो ये हमारे पास होती है पाइथागोरस प्रमेय। ऐसे ही और भी बहुत सारे जोड़े हैं जिनसे आप देख सकते हो। जैसे अगर हम बात करें 10, 24 और 26, 8, 15 और 17, 5, 12 और 13, आप बड़ी जो साइड है उसका वर्ग करके यहाँ पे कर्ण के वर्ग की जगह पे लिख दीजिए, बराबर में है। आधार का वर्ग जो पहली दो साइड है ना, आप किसी को भी आधार और किसी को भी लंब मान सकते हो। इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ अदल बदल कर सकते हो, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बड़ी साइड यही रहेगी। फिर आप जो छोटी साइड है उन दोनों का वर्ग करके एक दूसरे के साथ जोड़ दीजिए। अगर वो कर्ण के वर्ग के बराबर आ रहा है तो उसके अंदर पाइथागोरस लागू है, नहीं तो नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय को कई तरह से यूज किया जाता है। वो आपको 2 भुजाएं दे देगा और तीसरी भुजा आपको निकालने के लिए बोल देगा। जैसे कह देगा कि कर्ण 13 सेंटीमीटर है और आधार 12 सेंटीमीटर है, आप ऊंचाई निकालिए। तो कर्ण 13 सेंटीमीटर हमें दे रखा, हम 13 का वर्ग कर देंगे। 13 का वर्ग आ जाएगा हमारे पास 169, आधार का वर्ग आ जाएगा हमारे पास 144, लंब हमें नहीं पता कितना है, हम लंब को बिल्कुल ऐसे का ऐसा रख लेंगे। 144 जब इस तरफ आकर आएगा तो ये घटा में हो जाएगा हमारे पास। जब हम 169 में से 144 को घटाएंगे तो वो आ जाएगा 25, बराबर है लंब का वर्ग। अब हमें तो सिर्फ लंब निकालना है और ये है लंब का वर्ग, यानी हम बता देंगे कि 25 किसका वर्ग है। 25 किस संख्या को 2 बार गुना करने से आया है, तो जब हम 5 × 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो लंब यानी कि ऊंचाई है वो है 5 सेंटीमीटर। आपको वो कोई भी 2 साइड दे देगा और उसके आधार पे कहेगा कि आप तीसरी साइड निकालिए। इसी के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अगर आप ये भी सीखना चाहते हो कि पाइथागोरस थ्योरम आई कहाँ से और हम उसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। थैंक यू वेरी मच।